तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आर में, और लेके आ गया हूँ मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो रियलमी नार्जो 10 और 10A को परचेस करना चाहिए कि नहीं, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा देखना तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों फोन में आपको क्या क्या कमियां देखने को मिलती है और कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए अंडर 14,000 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं रियलमी नार्जो 10 और 10A जो स्मार्टफोन है उसको आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपैरिजन के बारे में। तो रियलमी नार्जो 10 और 10A ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है मिनी ड्रॉप नॉच के साथ। और रियलमी नार्जो 10 में आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 वाला जो प्रोसेसर है वो दिया गया है, और रियलमी नार्जो 10A में आपको मीडियाटेक का हीलियो G70 वाला जो प्रोसेसर है वो दिया गया है। रियलमी नार्जो 10 में आपको 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा दिया गया है और रियलमी नार्जो 10A में आपको 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा दिया गया है। और दोनों में ही आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, बट रियलमी नार्जो 10 में आपको 18 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट दिया गया है, रियलमी नार्जो 10A में आपको नहीं दिया गया है। और प्राइसिंग की बात करूं तो रियलमी नार्जो 10 जो 4GB रैम वेरियंट की प्राइस कंपनी ने 12,000 रखी है, और रियलमी नार्जो 10 जो स्मार्टफोन है उसके 3GB वेरियंट की प्राइस कंपनी ने 8,500 रखी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि रियलमी नार्जो 10A जो स्मार्टफोन है वो रियलमी C3 को ही रीब्रांड करके कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ये सही बात है, वो लोग जो कह रहे हैं वो एकदम कंफर्म कह रहे हैं, और आपका भी यही कहना होगा कि रियलमी C3 को ही कंपनी ने रीब्रांड करके नार्जो 10A के नाम से लॉन्च किया है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रियलमी C3 में जो प्रोसेसर था हीलियो G70 प्रोसेसर वही आपको नार्जो 10A में भी दिया गया है, बट डिफरेंस इतना है कि रियलमी C3 में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप नहीं दिया गया था, ड्यूल कैमरा था, और नार्जो 10A में आपको 2 मेगापिक्सल का एक एक्स्ट्रा मैक्रो लेंस दिया गया है और एक आपको फिंगरप्रिंट दिया गया है। बाकी जो भी फीचर्स हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन है, वो रियलमी C3 के जैसा ही सेम टू सेम है। तो दोनों में ही आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए ये मैं बताऊंगा। तो दोनों में ही आपको कोई भी स्मार्टफोन परचेस नहीं करना चाहिए, ना नार्जो 10 को परचेस करना चाहिए ना नार्जो 10A को परचेस करना चाहिए, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं आपको। आपको आपका बजट अगर 12,000 है तो आप 2,000 और एक्स्ट्रा लगा के रियलमी 6 को परचेस कर सकते हैं, जिसे कंपनी ने एक महीने पहले ही लॉन्च किया है। उसमें आपको फ्रंट में राइट साइड में एक पंचोल कैमरा दिया गया है और उसमें आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, साथ में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G90T जो एक बेटर गेमिंग लेवल चिपसेट है और बेटर परफॉर्मेंस के साथ आपको देखने को मिलेगा, और 4,300mAh बैटरी के साथ कंपनी ने उसमें 30W का फास्ट चार्ज सपोर्ट भी दिया है। और 4GB रैम की प्राइस कंपनी ने 14,000 रखी है, पहले 13,000 थी, GST बढ़ने के कारण 1,000 बढ़ गई तो 14,000 हो गई। तो दोनों में ही आपको कोई स्मार्टफोन नहीं परचेस करना चाहिए, आपको रियलमी 6 जो स्मार्टफोन है उसको परचेस करना चाहिए 2,000 एक्स्ट्रा लगाकर। ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताते फिरो कि नहीं यार रियलमी 6 ले लेने से बेटर था, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये जब तक हाथ में नहीं आएगा आप एकदम चेक नहीं कर सकते स्पेसिफिकेशंस के तौर पर। तो इसलिए अगर आपको फोन परचेस करना है तो आप 2000 एक्स्ट्रा लगाकर रियलमी 6 जो स्मार्टफोन है उसको परचेस कर सकते हो, ना कि नार्जो 10 जो स्मार्टफोन है। और अगर आपका बजट 12,000 ही है तो आप नार्जो 10 को भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार अगर मुझे चैनल पर नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस में लाते रहता हूं तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आई होप मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी।